मेजर एवं तांको बांधवी को निर्यातना अभियोग प्रसंग में दायर एक जनस्वार्थ मामलार शुणी बेले क्षुब्ध होती हाइकोर्ट। शुणी बेले मुख्य विचारपति जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह कहते घटनावली को देखला परे यह विचलित कला भली लगुच। दुईज पुलिस स्टेशन में प्रवेश करते कौन अपराध भिहबापी नुहे बरम एक अभियोग दाखल करने को जाते हैं। समय रे थाना भितर जहाँ घटला ताहस्यमय एवं यार तदंत जारी रही। सबुठ आश्चर्यजनक कथा होते उभय थाना बाहर सेतबेले सेमानको नारे एक एफआईआर रुजू होता जो थी कि हत्या उद्यम भली अभियोग रही। एभली घटना जानिबा परे आउ के थाना को जिबे कि बोली प्रश्न करथिले मुख्य विचारपति। थाना को जदि सेना अधिकारी स्थान में आईपीएस अधिकारी जाते तेज पुलिस यही व्यवहार देखा था कि एने डीजीपी स्पष्ट करने उचित बोली कहते हाइकोर्ट। शुणी बेले कोर्टे उपस्थित थिबा एडवोकेट जनरल पीताम्बर आचार्य को कहते पूरा सिस्टम उपरे लोकों विश्वास जेभली फेरी आसिबो ताहा आपण को निश्चित करने को पड़िबो। देखंतु आज मान्यवर हाइकोर्ट भरतपुर पुलिस स्टेशन जो घटना घटला तापर आज सुमट मैटर को टेकअप करते मान्यवर हाइकोर्ट स्पष्ट भाव में कहते पुलिस थाना से दिन रात जो घटना घटी ता उद्वेगजनक यह घटना को रोकवाई कि पदक्षेप निया स्टेट तरफ नेक्स्ट डेट अवगत करा। मान्यवर हाइकोर्ट एक स्पष्ट भाव में कहते जे ये मैटर आउ से इंटरफेयर करेंगे ना जेहेतु राज्य सरकार तरफ आमर मान्यवर एजी मान्यवर कोर्ट को अवगत कराई जे रिटायर्ड जस्टिस चित्तरंजन दास को दायित्व दि जाए तार इनक्वारी करने तेणु एक कौन आवश्यकता ना मान्यवर कोर्ट को इंटरफेयर करने एक स्टेट तरफ कहुला पांचज पुलिस अफिसर को सस्पेंड कर क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन दि जाए क्राइम ब्रांच आर सठिक इन्वेस्टिगेशन करुच्छे। सो कोर्ट केवल इनश्योर देखिए फ्यूचर रे जो फैसिलिटीज पुलिस दबा कथा से गुड़िक पुलिस स्टेशन अवेलेबल अच्छी कि ना। मामलार शुणी करते हाइकोर्ट मुख्य विचारपति जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस सावित्री रथ को नहीं गठित डिविजन बेंच। ब्यूरो रिपोर्ट ओडिशा रिपोर्टर।